हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अरबी की मसाले वाली सब्ज़ी। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्याज, टमाटर, लहसुन और दो हरी मिर्च को थोड़े से पानी डालकर हम दो मिनट तक इसको उबाल लेंगे। जब तक ये उबल रहा है तब तक हम अपनी अरबी देख लेते हैं। अरबी को मैंने पहले से ही बॉयल करके रख लिया था। एक सीटी देना है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। अब हम इसमें मसाले कोट करने के लिए यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, आधा चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला और दो चम्मच के करीब तेल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने अजवाइन और सौंफ को कूट के रखा था, उसे भी डाल देंगे और 10 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ढक के रख देंगे। देख लेते हैं, हमारा जो प्याज टमाटर मैंने उबलने के लिए रखा था वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और 10 मिनट हो गया था तो जो मैंने अरबी को कोट करके रखा था उसे फ्राई कर लेते हैं। तो 5-6 मिनट लगे हैं हमको ये फ्राई करने में। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं। अब हम इसके लिए, ये हमें मसाले वाली बनाने हैं तो अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो जो मैंने टमाटर प्याज को उबाल के रखा था वो ठंडा हो गया है, तो उसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। और एक कढ़ाई में सरसों का तेल 2-3 चम्मच डाल के जीरा और एक तेज पत्ता, थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे। जब वो भुन जाएगा तो हम जो पेस्ट बना के रखा उसे डाल देंगे। अब हमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं ऐड करना है, थोड़े ही मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं जो फ्राई करके अरबी को रखा था उसे डाल देंगे। 2 मिनट तक हम धीमी आंच पर इसको भून लेंगे। उसके बाद गरम पानी हम इसमें डालेंगे। पानी आप अपने अनुसार डालें, पर यह सब्ज़ी थोड़ी लुटपुटी रहती है तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हमें 1 मिनट तक पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे तो अरबी की सब्ज़ी कई प्रकार की बनाई जाती है। एक बार इस तरीके से आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहे चावल के साथ खाएं या पराठे रोटी किसी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।